किया, जीरो काम किया ना। ये यही सवाल पैदा होता है कि इमरान खान ने जीरो काम किया, इमरान खान ने कुछ काम नहीं किया। अब बताएं कि ये जो हुकूमत आई थी 16 महीने में क्या करके गई। सवाल आज यही है मेरा सब लोगों से, जितने भी कॉलर आए बताएं। ये भाई और मैं यही बात तो कह रहे हैं, आप उनकी अगर आप कॉल उठा के देखें जो 3.5 साल पहले हुआ ये हुआ, इमरान खान ने ये किया। हर दफा बोला तुम अपनी बात करो यार। नहीं अपनी बात क्यों करें मेरे भाई, अपनी बात क्या करूं मैं क्या क्या बात करूं अपनी, मैं कहां जॉब करता हूं, मेरे कितने बच्चे हैं, मेरी हाइट कितनी है, मेरा वजन कितना है, क्या मैं अपनी क्या बात करूं। बात सियासत पे हो रही है तो सियासत पे बात होगी। अच्छा तो आप एक बात चले आप मुझे बताएं इनकी कारकर्दगी बताएं 16 महीने में क्या किया, मुझे ये सिर्फ मेंशन करें, मैं लिखूंगी पॉइंट लिखूंगी आप लोगों के। तीन महीने में जी मेरी बहन, ये देखें अभी इनको बोले सर सही साहब एक मिनट पॉइंट हो जाएगा इनको देखने। तीन महीने में इन्होंने क्या किया, तीन महीने में ये मैं बोल देता हूँ, चले ये तीन महीने में प्रेग्नेंट हुए, समझी आप, एस्टेब्लिशमेंट के आते ही प्रेग्नेंट हुए तीन महीने में, ये हुआ इनकी ये कारकर्दगी है। क्या कह रहे हैं मेरे भाई, क्या कह रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि बोलिए आप, अल्फाजों का चुनाव अच्छे से रख लीजिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं नहीं तो मैं आपको आपसे पूछा ना कारकर्दगी है, ये आदमी बताइए कारकर्दगी है कि ये ट्रेन में बैठ के जाते थे, इन्होंने खुद आपसे 50,000 दफा बोला है, ये कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूँ, ये इनकी कारकर्दगी। तो उन्होंने खुद बोला मीडिया में, मैंने नहीं बोला, ये तो खुद बोल रहे हैं अपने मुंह से बोला उन्होंने। मेरी बहन देखिए दो जुमलों में फर्क होता है, इन्होंने जैदी साहब ने कहा इन्होंने अपने केसेस वो कराए क्लियर कराए, क्लियर नहीं कराए तो जैदी साहब ने तारीफ नहीं की, उन्होंने सही बात की, हकीकत बयान की उन्होंने। मेरी बहन क्लियर का मतलब होता है, क्लियर का मतलब होता है कि आप पार्ट साफ हो गए, क्लियर का मतलब होता है पार्ट साफ हो गए। चले अब दूसरों को, इन्होंने कहा खत्म अपनी बात कर, चले आप कर लें बात, आप कर लें, आप कर लें, आप कर लें, आप जी 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 बोले। छोटी छोटी बात कर ले, देखें आपने कहा ना कि 16 महीनों में उन्होंने क्या करा। हाँ जरा मुझे ये बता दे, ठीक है, मैं मेरा जो अपना सियासी, ये मैं नहीं पूछ रही, लोगों ने पूछा, लोगों ने पूछा, आप लोगों से पब्लिक ने पूछा, आम पब्लिक ने ये सवाल किया कि अपने शो में ये पूछे कि 16 महीने में इनकी कारकर्दगी बता दे। बता रहा हूँ ना जी, मैं यही बता रहा हूँ। देखिए पहली बात तो ये कि जो जब वो गवर्नमेंट गई थी उसके बाद मुल्क जो है डिफॉल्ट की तरफ, देखें मुल्क अब डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा था। सवाल नहीं 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 सैयद साहब आप मुझे ये बताएं, हर हुकूमत के दौरान आप उठा के देख लें, पूरे शो देख लें, टॉक शो देख लें, हमेशा यही होता है कि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। शहबाज शरीफ की 3 दफा की हुकूमत रही, नवाज शरीफ की रही, आप यकीन करें मुस्तकबिल यही होता था मीडिया के अंदर, जी मुल्क तो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नहीं नहीं मैं सुन रही हूँ, मगर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप ये मुझे बता दें जरा सही कि किसके दौरान डिफॉल्ट की तरफ मुल्क नहीं जा रहा था हमारा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब गवर्नमेंट इन्होंने ली तो उस वक्त मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, बकौल इमरान खान के मुल्क श्रीलंका बनने जा रहा है, और तमाम सियासी तजियाकार जो भी इमरान हिमायत या हुकूमत मुखालिफ थे वो ये कहते थे कि ये पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। टीवी के टॉक शो पे देख लें आप, तजिया निगारों के देख लें आप, बहुत सारे लोगों का ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, इमरान खान ने कहा पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, ठीक है। आईएमएफ को इन्होंने कहा, जो इनके वो थे अपने वजीर खजाना के, इनको पैसे ना दो, ठीक है, ये बात ली कोई सारी चीजें। तो गवर्नमेंट ने उसको मुल्क को डिफॉल्ट से बताया, जैसे भी बताया सबके सामने है, स्टेबिलिटी लेके आए नंबर वन। नंबर टू जो आपके इंटरनेशनल ताल्लुकात जो तमाम मुल्कों से खराब हो गए थे, सऊदी अरब से और मलेशिया से और तुर्की से और चाइना से, वो सारे इन्होंने दोबारा बहाल करे। तीसरी सबसे अहम बात, जो सी पैक पे काम बंद था इमरान खान की गवर्नमेंट में 3 साल से, उन्होंने वापस आके सी पैक को काम दोबारा स्टार्ट कराए। उसके अलावा जो दो काम हुए हैं वो बहुत ही जबरदस्त काम है, जो कि एक तो मईशत वाली वो ज़राअत की बात जो करी है कि उसमें इन्होंने लैंड रिफॉर्म कर रहे हैं और ज़राअत को इनकलाब लेके आ रहे हैं। दूसरा ये कि ये इन्होंने एक और जो कराए इसमें मुआहदा कराए जिसमें वो आ रहा है आपका ऑयल रिफाइनरी आ रही है 1,000 अरब की, ठीक है। तो 16 महीने में आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आई, आपके इंटरनेशनल लोगों से ताल्लुकात सही हुए, आपके पास जो है वो ज़राअत वाली मैंने जो बात अभी कह रहा हूँ वो जो ग्रीन इनकलाब है ना, अगर वो हो गया और वो कैटल फार्मिंग का और वो तो पाकिस्तान